दीघा सोनपुर ब्रिज के पास है और आज आप लोग के डिमांड पे हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं इसका जो डबल लाइन हो रहा था उसका। आइए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका वर्क प्रोग्रेस है, कितना काम हुआ है, क्या बाकी। ये दीघा सोनपुर ब्रिज है, पटना के तरफ अभी कैमरे का रुख है और इस पे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, चाहे मेल हो या पैसेंजर हो। अभी आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी क्रॉस कर रही है, लेकिन सिंगल लाइन होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये स्पेशल ट्रेन है गोरखपुर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र स्टेशन से चल करके ये ट्रेन गोरखपुर जाएगी। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, पुल के लेफ्ट साइड में लाइन क्लियर है। तो ये देखिए दोहरीकरण का काम चल रहा है इसका। जब दोहरीकरण हो जाएगा तो लोगों को बहुत आसानी होगी, ये देख सकते हैं। और सामने गंगा पथ का काम चल रहा है, ये सामने गंगा पथ का काम चल रहा है। ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोहरीकरण का काम चल रहा है जो आपके लोगों के द्वारा मांगा गया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुराना वाला तो लाइन है, लेकिन उस तरफ अभी लाइन नहीं लगा है, यहाँ थोड़ा दूर आगे तक लगा हुआ है। तो यही काम है, इधर काम होना बाकी है, और भी कई तरह का काम चल रहा है। और उधर गंगा पथ का काम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आपको ज़्यादा कुछ जानकारी तो इसके बारे में नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो भी है काम इसका चल रहा है डबल लेनिंग का। और जब डबल लेनिंग का काम हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी आने जाने में, और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये अपडेट हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।